हेलो स्टूडेंट, आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर बताने जा रहा हूँ C++ का। उसका नाम है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पहले कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर के बारे में कहा गया है कि कंस्ट्रक्टर इज़ ए क्लास मेम्बर फंक्शन विद द सेम नेम एज क्लास। ऐसा मेंबर फंक्शन जिसका नाम सेम हो क्लास नेम के जैसा, तो उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर कहते हैं। फंक्शन है ये भी, लेकिन वैसा फंक्शन जिसका नाम सेम हो क्लास नेम के जैसा, उस टाइप के फंक्शन को हम लोग कंस्ट्रक्टर कहेंगे। दूसरा तरीके से डिफाइन इसको कर रहे हैं, ए कंस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास विच इनिशियलाइजेज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। कंस्ट्रक्टर जो है मेंबर फंक्शन है क्लास का, जो इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट, क्लास के ऑब्जेक्ट को। द मेन जॉब ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू एलोकेट मेमोरी फॉर क्लास ऑब्जेक्ट। एक्चुअल जो जॉब है कंस्ट्रक्टर का, टू एलोकेट मेमोरी स्पेस फॉर क्लास ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम लोग को ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, वो अपने आप उसको ऑटोमेटिकली कॉल करेगा। वी कैन नॉट इनिशियलाइज क्लास डेटा मेंबर डायरेक्टली एज गिवन बिलो। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, क्लास स्टूडेंट है जिसमें रोल नेम, इस तरीके से हम लोग इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। इनिशलाइज करने का अलग तरीका है। आप पहले क्लास बनाइए, फिर उसका एक फंक्शन बनाइए उस नाम से, देन आप इनिशलाइज कीजिएगा। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन यूज टू इनिशलाइज क्लास डेटा मेंबर, और वी कैन से कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। कंस्ट्रक्टर है उसको स्पेशल मेंबर फंक्शन कहा जाता है। यूज टू इनिशलाइज द क्लास डेटा मेंबर, और वी कैन से द कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। कंस्ट्रक्टर मस्ट बी इन पब्लिक एरिया ऑफ ए क्लास। जब भी हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, उसको हम लोग डिक्लेयर करेंगे कहाँ पर? पब्लिक एरिया ऑफ द क्लास। कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास। की पॉइंट, वी कैन नॉट क्रिएट वर्चुअल कंस्ट्रक्टर। वी कैन नॉट क्रिएट वर्चुअल कंस्ट्रक्टर। वी कैन ओवरलोड कंस्ट्रक्टर। What are the characteristics of constructor? Constructor name, class name must be same. बहुत important point है। Constructor का नाम और class का नाम same होना चाहिए। Constructor does not return any value. हर function return करता है value, नहीं करता है तो उसके आगे हम void use करते हैं, लेकिन इसके constructor जो होता है, it does not return any value, not even use void. Void का भी हम लोग use नहीं करते हैं। कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा जब हम लोग क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टर। आप एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाने जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आप देखेंगे, क्लास ए है जिसमें पब्लिक के अंदर एक्स लिया हमने। पब्लिक के अंदर हालांकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख भी सकते हैं। दूसरा है पब्लिक के अंदर ही हमने कंस्ट्रक्टर ए, जिस तरीके से क्लास का नाम है उसी तरीके से हमने ए फंक्शन यूज़ किया है। तो चूंकि इस फंक्शन का नाम उस क्लास के नेम के जैसा है, इसलिए हम इसको कहेंगे दिस इज़ कंस्ट्रक्टर। आप देख सकते हैं हमने इसे डायग्राम के थ्रू शो किया है। कंस्ट्रक्टर नेम एंड द क्लास नेम आर सेम, दोनों सेम है। सो दिस इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्पेशल मेंबर फंक्शन। It does not return any value, not even void. Constructor can be defined either inside the class definition or outside the class definition using the class name and a scope resolution operators dot dot dot. Constructor जो होता है एक special member function होता है, उसको हम लोग inside the class भी declare कर सकते हैं, साथ ही साथ outside the class declare कर सकते हैं with the help of scope resolution operator. आप देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया है इस प्रोग्राम में। सबसे पहले क्लास ए लिया है,
उसमें नंबर लिया है पब्लिक के अंदर, चूँकि नंबर के ऊपर कुछ विजिबिलिटी मोड नहीं लिखा है, दैट मीन्स के दिस इज़ प्राइवेट, नंबर प्राइवेट है, लेकिन चूँकि कंस्ट्रक्टर को हमको डिक्लेयर करना है पब्लिक के अंदर, इसलिए हमको विजिबिलिटी मोड उसमें लिखना मस्ट है। तो हमने लिखा है पब्लिक ए फंक्शन, यहाँ हमने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया। अब क्लास के बाहर हमको डिफाइन कोई भी फंक्शन करना हो, चाहे वो कंस्ट्रक्टर ही क्यों ना हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ए कोलोन इस तरीके से हम लोग इसको इनिशियलाइज़ करते हैं वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आउटसाइड द क्लास। अब आप देखेंगे कितने तरह का कंस्ट्रक्टर होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। जैसे हमने बहुत शॉर्ट में यहाँ बताया कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। तो ये तीन कंस्ट्रक्टर पे हम आज डिस्कशन करेंगे, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसको कहेंगे, ए कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट नो पैरामीटर इज नोन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इफ नो कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड देन द कंपाइलर सप्लाइज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्गुमेंट पास ना हो, कोई पैरामीटर पास नहीं होता है, दैट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आप यहाँ देख सकते हैं, हम एक सिंटेक्स के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट क्लास स्टूडेंट लिया है, जिसमें स्टूडेंट करके कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं और उसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल आप देखेंगे, क्लास क्यूब है, पब्लिक है, आई टी साइड है, पब्लिक क्यूब है, साइड 10 है। यहाँ पर हमने क्या किया, क्यूब लिया है फंक्शन कंस्ट्रक्टर के तौर पे, साइड इसमें 10 ले लिया है। अब यहाँ पर वाइड मेन में हमने आई टी मेन में क्यूब का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सी डॉट, क्यूब का एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं सी एंड सी डॉट साइड, ये क्या करेगा, उसका वैल्यू क्या शो करेगा, 10 शो करेगा। यहाँ हमने क्यूब एक कंस्ट्रक्टर लिया है और उसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, आप देख सकते हैं दिस इज़ कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्यों डिफॉल्ट है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है, ये स्पेशल मेंबर फंक्शन है, ये डिक्लेयर किया गया है पब्लिक के अंदर, इट डज़ नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, नॉट इवन वर्ड। और सबसे स्पेशल खूबी ये है इसमें कि इसके पैरामीटर में, इसके पैरेंथेसिस में कोई भी आर्गुमेंट हमने पास नहीं किया है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब देखेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजिंग द इंस्टेंट वेरिएबल हेयर ऑल्सो। पब्लिक में हमने क्यूब आई टी एस साइड ले लिया है, यहाँ पर क्यूब लेके साइड इक्वल टू 10 लिख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि क्यूब सी है, वैल्यू सी डॉट साइड करेंगे हम लोग, इस तरीके से भी हम इसके वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये अपने आप क्यूब को कॉल करेगा और साइड का वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा 10 से। अब वैल्यू क्या दिखाएगा, 10 दिखाएगा। इन दिस केस एज सून एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड विच इनिशियलाइज द डेटा मेम। जैसा हमने कि बताया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप गौर करेंगे कि क्लास के ऑब्जेक्ट जैसे बनता है वैसे कंस्ट्रक्टर कॉल, हम यहाँ कॉल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सी डॉट क्यूब फंक्शन नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टर है। जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, अपने आप वो उसको कॉल करेगा और कॉल करने के बाद उसके वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा और आपका वैल्यू उसको शो करेगा 10। जब आप इस प्रोग्राम को रन कराइएगा तो इसका वैल्यू 10 शो करेगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मेंबर दैट इवन इफ यू डू नॉट डिफाइन ए कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली द कंपाइलर विल प्रोवाइड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेंबर्स, दैट इवन इफ यू डू नॉट डिफाइन ए कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली द कंपाइलर विल प्रोवाइड द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली। अब देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर क्यूब लिया है हमने, क्लास क्यूब लिया है, साइड लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, वाइड मेन लेने के बाद क्यूब सी ले रहे हैं यहाँ पर, और इसके वैल्यू को देखिए, वैल्यू इनिशियलाइज क्या होगा, 0 होगा। इन दिस केस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड
by the compiler will be called, which will initialize the object or data member to the default value that will be 0 in this case. Another example default constructor का आप देखेंगे यहाँ पर हमने ये शो किया है स्टूडेंट है रोल नेम मार्क्स है यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट का एक इनिशियलाइज किया है वैल्यू को तो ये क्या है आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के तौर पे जाना जाएगा क्योंकि स्टूडेंट नाम है क्लास का स्टूडेंट नाम है फंक्शन का इनिशियलाइज कर दिया हमने वैल्यू और डिस्प्ले में उसके वैल्यू को डिस्प्ले कर देते हैं यहाँ स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने आप इसका वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगा और एस डॉट डिस्प्ले के थ्रू रोल इज वन देगा नेम इज आदिल देगा मार्क्स 85 शो करके इसके वैल्यू को डिस्प्ले करेगा इस तरीके से इसके आउटपुट को हम लोग देखेंगे तो आज उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या है और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर किस तरीके से काम करता है टाइम बहुत कम है जैसे जैसे क्लास हो रहा है आप उसका नोट्स बनाएं अच्छे से तैयारी कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर्स